कटिहार सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के 7 शाखाओं से 39,25,000 रुपए गबन करने का सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है। इस घोटाले का खुलासा बैंक के स्पेशल ऑडिट में बैंक की माइग्रा खाता में बड़ी राशि हस्तांतरित कर बड़ी रकम शाखा प्रबंधक के द्वारा निकासी कर लिया गया है। इस मामले को लेकर प्राथमिकी दर्ज करने का विभागीय आदेश देने के बावजूद भी महीनों बीत गया, लेकिन अब तक आरोपी ब्रांच मैनेजरों पर कोई किसी तरह का मामला दर्ज नहीं हुआ। सेंट्रल कोऑपरेटिव प्रबंधन समिति की जिम्मेदारी पर भी अब सवाल खड़े होने लगे हैं। अब तो हालत ये है कि जिन शाखा प्रबंधकों पर FIR दर्ज करने का आदेश जारी हुआ है, उसमें से कुछ रिटायर हो चुके हैं तो कुछ अब इस दुनिया में ही नहीं है, और जो लोग बचे हुए हैं वो भी अगले साल रिटायर हो जाएंगे। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर क्या वजह है जिस कारण आदेश होने के बावजूद भी प्रबंधन आरोपी मैनेजरों को बचाना चाह रही है। सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के प्रबंध निदेशक वैशाली चौधरी का इस मामले पर क्या कुछ कहना है, आप उन्हें सुनिए। जिस गबन के मामले में आप जानकारी लेने हैं, उसके लिए हम आपको बता देते हैं कि हमारे विभाग से जो अनुदेश मिला है उसके अनुरूप बैंक कार्रवाई कर रहा है और वो प्रक्रियाधीन है, और बैंक का इंटरनल मैटर है, उससे ज़्यादा हम आपको इसके बारे में अभी कुछ नहीं बता सकते। जैसे ही प्रक्रिया पूर्ण होगी आप सबको जानकारी मिल जाएगी। किस तरह का गबन का मामला है? ये माइग्रेशन ऑडिट हुआ था, उसी संदर्भ में स्पेशल ऑडिट हुआ था, उसी में ये जानकारी सामने आई, तो उसी के स्तर से हमें आदेश मिला है, उसी के रेफरेंस में, तो उस पर बैंक अपने स्तर से कार्रवाई कर रहा है। थैंक यू। तो आपने प्रबंध निदेशक वैशाली चौधरी को सुना, जिन्होंने बताया कि बैंक इस पर इंटरनल जांच कर रही है, इससे आगे वह कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। वहीं डायरेक्टर राजेश कुमार सिंह को भी आप सुन लीजिए कि उनका इस विषय में क्या कुछ कहना है। माइग्रा खाता जो सोसाइटी का पैसा अलग खाते में ट्रांसफर कर वो माइग्रेट दूसरे खाते में लेके, ये ब्रांच मैनेजर ने अपने मन से निकाल लिया। इसके बाद रजिस्ट्रार की चिट्ठी आई कि उसको अलग से नोटिस मैंने ऑडिट करा के माइग्रेट खाते का वो एक रिपोर्ट मांगा गया। उसमें ऑडिट नोट में ये 7 ब्रांच मैनेजर पर आया माइग्रेट खाता का कि इन लोगों ने गबन किया है, और उस पर कार्रवाई करने के लिए निर्देश प्राप्त हुआ रजिस्ट्रार का, जो अभी तत्काल भेजना जाता है वो रजिस्ट्रार है उनके द्वारा। उसी के आधार पर ये फिर चला कि 39,00,000 रुपया समथिंग जो राशि है उसको FIR करके आप निकाल लीजिए, मैंने उस पर कार्रवाई कीजिए, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई हुई नहीं है और अभी तक इसकी पेंडिंग है। क्यों पेंडिंग है ये पता नहीं, लेकिन उस राशि को अभी तक निकाल लेना, मैंने उस पर FIR एक्शन होना चाहिए। कितने ब्रांच मैनेजर पर FIR? 7 ब्रांच मैनेजर पर अभी FIR करने का ऑर्डर है, लेकिन उसमें कुछ लोग की मृत्यु हो चुकी है जो समथिंग है, और कुछ लोग अभी जिंदे हैं जो मुख्यालय में है अभी, तो कुछ रिटायर भी कर गए हैं। हाँ, कुछ रिटायर भी कर गए हैं, और जो रिटायर कर गए हैं जो रिटायर करेंगे उस पर काफी उसी पर अधिक ये है गबन की राशि। तो 7 लोग में हैं और जिसमें कि 4 लोग लगभग या तो रिटायर कर गए या तो जिनकी मौत हो गई है, तो अब तो उसकी रिकवरी फिर कैसे होगी? उसकी रिकवरी के लिए तो फिर सर्टिफिकेट नीलाम पत्र केस करना होगा और उनके जो वंशज हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी। अच्छा सर, एक चीज बताइए कि जो लोग मौत हो गई है रिटायरमेंट जो लोग हैं यहाँ काटे उसको काटे। तो आपने डायरेक्टर राजेश कुमार सिंह को सुना, जिन्होंने कहा कि इस पूरे मामले पर बड़ा भ्रष्टाचार होने का आरोप लगते हुए, पूरे मामले की बात रखते हुए इस पर जांच की वो मांग कर रहे हैं। तो इस विषय में आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।